नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, क्या आप जब सीधे खड़े होते हो अपने दोनों पैरों को पास में मिलाकर, तो क्या आपके दोनों घुटने टकराते हैं, जिसको कि हम नॉकनी बोलते हैं या जिनू वेलगम भी बोलते हैं, और आप सोच रहे हैं कि कैसे मेरी ये समस्या ठीक होगी, स्पेशली अगर आप आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नौकनी के बारे में। मैं नौकनी के बारे में आज हर वो जानकारी दूंगा जिसको आप जानना चाहेंगे। नौकनी क्या होता है और इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, नौकनी के क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें ये समस्या होती है, और नौकनी के लिए हमें वो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसको करके हम अपनी समस्या को हमेशा के लिए ठीक कर सकें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगा वो तरीके जिनको आप एक्सरसाइज के साथ फॉलो करेंगे तो अपनी समस्या को जल्दी से जल्दी आप ठीक करने में कामयाब होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि नौकनी क्या होता है और हम इसको कैसे पता करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी व्यक्ति को सीधा खड़ा करते हैं, उसके दोनों पैरों को पास में मिलाकर और उसके पंजों को हल्का सा बाहर करके, तो उसके दोनों घुटनों के बीच में एक हल्का सा गैप होता है। अब मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में ये गैप बिल्कुल भी ना हो और उसके दोनों घुटने पास में टकराने लगे, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं नौकनी या जिनू वेलगम। और इस समस्या को पता करने का ये एक सबसे आसान तरीका है। अब बात करते हैं हम नौकनी के कारणों की। तो जब भी कोई बच्चा खड़ा होकर चलना सीखता है तो उस समय उसके पैर नेचुरली नौकनी की कंडीशन में होते हैं। इससे उसको एक वाइड बेस मिलता है और उसका बॉडी का बैलेंस बनाने में उसको हेल्पफुल होता है और उसको चलने में सहायक होता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो ये कंडीशन ऑटो करेक्ट हो जाती है। लेकिन कई बार विटामिन डी की डिफिशियंसी हो, कैल्शियम की कमी हो, ओबिसिटी हो, लैक ऑफ फिटनेस हो या मसल्स इम्बैलेंस हो, तो इसकी वजह से ये कंडीशन ऑटोकरेक्ट नहीं हो पाती है। इस समस्या में हमारे हिप जॉइंट की जो मांसपेशियां होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। इसलिए अगर इस समस्या को सही समय पर ठीक नहीं किया जाए तो आगे चलकर हमारी बोन्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ जाते हैं। कई लोगों को इस समस्या के साथ साथ उनके जो पंजे होते हैं वो भी प्रोनेशन में चले जाते हैं, और कई लोगों को जिनको नौकनी की समस्या होती है उसके साथ साथ उनको फुट प्लेट की समस्या भी होती है। एक्चुअली इस समस्या में हमारे हिप जॉइंट की जो अडक्टार मसल्स होती है, जो इंटरनल रोटेटार्स मसल्स होती है, यानी कि जो मांसपेशियां हमारे पैर को अंदर की तरफ खींचती है और हमारे पैर को अंदर की तरफ घुमाती है, वो टाइट हो जाती है। और हमारे हिप जॉइंट की जो अबडक्टार मसल्स है, जो एक्सटर्नल रोटेटार मसल्स है, यानी कि जो मांसपेशियां हमारे पैर को बाहर करती है, बाहर की तरफ घुमाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पैरों के अंदर एक इम्बैलेंस हो जाता है और हमारे घुटने आपस में टकराने लगते हैं और हमारे जो पैर है वो अंदर की तरफ घूम जाते हैं। तो इस मसल इम्बैलेंस को अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हमारी समस्या धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और इस मसल्स इम्बैलेंस को ठीक करने का सबसे आसान तरीका है एक्सरसाइज। और अब आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करते हुए शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके से थेरा ट्यूब या थेरा बैंड यूज करनी है। आप चाहें तो थेरा बैंड यूज कर सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, घुटने के चारों तरफ इस तरीके से रेप करके लगा लेंगे, फिर हम दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर दोनों पैरों को हल्का सा चौड़ा कर लेंगे और फिर दोनों घुटनों को बाहर की तरफ चौड़ा करते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हमें 10 to 15 रिपीटेशन करनी है। इसके बाद इसमें जो दूसरी जो एक्सरसाइज है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से करवट लेके हम लेट जाएंगे। हम हमारे पंजों को बराबर रखेंगे, अपनी कमर के बराबर रखते हुए पंजों को और घुटनों को बराबर रखते हुए हम एक घुटने को सीधा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हमें 10 to 15 रिपीटेशन इस पैर से करनी है और 10 to 15 रिपीटेशन दूसरे वाले पैर से करेंगे। इसके बाद इसमें जो तीसरी जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से सीधा कर लेंगे, फिर हम एक पैर के घुटने को सीधा रखते हुए पूरा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स।
इस तरीके से हमें 10 टू 15 रिपीटेशन इस पेट से करनी है और 10 टू 15 रिपीटेशन दूसरे वाले पेट से करेंगे। इसके बाद इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है फ्रेंड्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम हमारे पैर इस तरीके से मोड़ लेंगे, हम हमारे पंजों को इस तरीके से मिला लेंगे और फिर धीरे धीरे हम हमारे दोनों घुटनों को इस तरीके से जोड़ा कर लेंगे और दोनों हाथों से प्रेशर लगाते हुए हम स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच उतना ही करना है जितना आपको कंफर्टेबल हो, और होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप किसी दूसरे की मदद से कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको ये एक्सरसाइज सेल्फ करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरीके से बैठ जाएंगे, अपने पंजों को इस तरीके से मिला लेंगे, फिर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखकर नीचे की तरफ दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। स्ट्रेच उतना ही देना है जितना आपको कंफर्टेबल हो। ये तो थी एक्सरसाइज, और अब मैं बताने जा रहा हूँ वो तरीके जिनसे आपको नौकरी में और ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो इसमें जो सबसे पहला तरीका है फ्रेंड्स वो ये है कि जब भी आप बैठें तो आलती पालती मार कर बैठें। ऐसा करने से आपकी जो हिप जॉइंट की जो एडक्टर मसल्स है वो नेचुरल स्ट्रेच होती है, और दूसरा अगर आपको फ्लैट फुट की समस्या है तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद दूसरा जो तरीका है फ्रेंड्स वो ये है कि जब भी आप रात को सोएं, करवट लेके सोएं, तो अपना एक तकिया अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा कर सोएं। उससे आपके जो घुटने हैं वो न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं और उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर आप चाहें तो नी लेग स्पेसर भी मार्केट में अवेलेबल होता है, आप चाहें तो वो भी खरीद के यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और मेरे द्वारा समझाई गई एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।